नमस्कार, आप देख रहे हैं पल पल। पीएम मोदी द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत करने वाले प्रदेश हरियाणा में दहेज की बलि चढ़ने वाली बेटियों की संख्या रुकने का नाम नहीं ले रही। ताजा मामला भिवानी का है, जहां एक नवविवाहिता ने फांसी का फंदा लगाकर अपनी जान दे दी है। मृतका का महज एक महीना पहले ही शादी हुई थी, लेकिन दहेज के कारण इतनी परेशानी हुई कि जान देना ही आखिरी रास्ता बचा। इस मामले में दोनों पक्षों ने अस्पताल में हंगामा किया, लेकिन विधायक घनश्याम शराफ ने मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों को शांत करवाया और पुलिस ने मृतका के पिता के बयान पर तीन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। और इसी के साथ देखते रहिए पल पल की विशेष रिपोर्ट। अंजू नाम की एक लड़की थी, जिसकी शादी 8 दिसंबर 2019 को नेशु के साथ हुई थी। कल उसने अपने गला में फांसी का फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। परिवारजनों को सूचित किया गया। मृतका के पिता हरगोविंद ने आज दरखास्त पेश की है। हरगोविंद की दरखास्त के ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया है। बाद पोस्टमार्टम नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हाँ, सुसाइड नोट मिला है, उसको भी कब्जा पुलिस में लिया गया। वो अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। सुसाइड नोट लिखा है, जांच की जाएगी, जांच जारी है। परिजन ने जो आरोप लगाया, दरखास्त जो उन्होंने दी है, खुद लिख करके दी, उसके ऊपर हमने मुकदमा दर्ज कर दिया। परिजन के जो आरोप थे उसी के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया। तो दहेज की मांग को लेकर के प्रताड़ना किया गया और उसने अपनी सुसाइड की। सर, कितने लोगों का नाम? 3 आदमी नामजद हैं, मृतका के पति, सास और एक बुआ। और दम चाहिए था, हमारे को गाड़ी नहीं मिली, हमारे को मकान की बात है, मकान दो भी, आपकी बड़ी बेटी अच्छे घर में रह रही है तो हमारे को भी उसे आपसे सुलियत दो। इन चीज़ों की उन्होंने डिमांड कर दी। सुबह 5 बजे कॉल करना, नीचे आ जा, बाथरूम साफ कर, टॉयलेट साफ कर, हमारे कपड़े धो। और जैसे ही वो नहा धो के कपड़े तैयार करके आती थी, उसी टाइम कपड़े उतरवा देती थी, कहती थी अपने कोट उतार, मेरा पुराना कोट पहन ले, मेरे साथ ये बाथरूम में साफ, मेरे कपड़े धो के, मेरे ये गाउन वगैरह धो के। अब क्या घटना हुई, कब हुई? अब ये घटना कल की है जी। कल लड़की का फ़ोन आया अपनी मम्मी के पास, पापा के पास, और वो रो रही थी, चिल्ला रही थी बहुत ज़्यादा, उन्होंने मैं परेशान हूँ, मेरे को बचा लो। तो ये बोले जी कोई बात नहीं, घर की बात है, छोटी मोटी बात होगी, आएंगे बेटा, हम आ जाएंगे आपके पास। और इतना कहते ही वो फ़ोन छीनना बंद हुआ, हमें नहीं पता जी। उसके बाद शाम को हमारे बड़े दामाद का फ़ोन जाता है कि उनके घर से फ़ोन आया है कि एक बार घर पे आ जाओ। तो हमारे दामाद जो बड़े वाले हैं और उनके परिवार वहाँ गया, तो उसकी मम्मी और उसकी बुआ बेड पे सो लौटे हुए ऐसे आराम से बैठे जी, जैसे कुछ नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, नॉर्मल स्वभाव में बैठे। और लड़का कमरे के सामने बैठा जी आराम से, न किसी गली में बता रखा, न कोई होल ला कर रखा, न पुलिस में फ़ोन कर रखा कि हमारे यहाँ हो गए। क्या हादसा क्या हुआ? हादसा ये हुआ कि अंदर कमरे में हमारी भांजी जो है अंजू, वो फांसी लगाए हुए लटकी हुई थी। पुलिस ने वहाँ जाके गेट तोड़ा है, गेट तोड़ के लड़की को उठाया है। पुलिस को इतालवी हमने किया जी, हमारे बड़े दामाद ने किया है।